एवरीवन दोस्तों, और एक रिक्रूटमेंट आया है आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की। आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा ने रिलीज़ किया है, ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लिए पोस्टर्स आउट हो चुके हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, अगर हम टोटल पोस्टर्स की बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्टर 38 आउट हो चुकी हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, 12th ग्रेजुएशन यहाँ पर एलिजिबल बन जाते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, 15 मई 2023 से आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट 30 मई 2023 रखा गया है। शुपियन और बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट के ऑलरेडी फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, जाके आप वॉच कर ले, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम एज लिमिट देखें, वोमेन कैंडिडेट इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 37 ईयर्स ऑफ एज शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट। अगर आपकी एज 18 to 37 ईयर्स के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हैं। आप यहां पे देख सकते हो, और यहां से आप सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हो। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर आंगनवाड़ी वर्कर जॉब रिक्रूटमेंट 2023 इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। कैंडिडेट शैल बी गिवन ऑन द बेसिक ऑफ मार्क्स ऑब्टेनड इन 10+2 एंड सिलेक्शन शैल बी ग्रांटेड प्योरली इन द एकेडमिक मेरिट बेसिक एंड देयर शैल नॉट बी एनी इंटरव्यू। यहाँ पे आपको कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू नहीं देना है, यहाँ पे आपको 10+2 के बेसिस पे मेरिट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं आपको बताऊँगा इसके लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है। सबसे पहले आपके पास पंचवार्ड सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम गेजेटेड ऑफिसर, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ये आपको तहसीलदार प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ से आप फुल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो ऑफिस ऑफ द चाइल्ड प्रोजेक्ट ऑफिसर पोर्शन प्रोजेक्ट किलर, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप नेम ऑफ द पोर्शन प्रोजेक्ट देख सकते हैं, नेम ऑफ द पंचायत देख सकते हो, नंबर ऑफ पंच वार्ड देख सकते हैं, नंबर ऑफ AWC देख सकते हो, कहाँ के लिए कितनी वैकेंसीज आउट हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आप क्राइटेरिया देख सकते हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, वोमेन कैंडिडेट इन दिस एज ग्रुप ऑफ 18 to 37 ईयर शैल बी कंसिडर्ड, ये मैंने आपको पहले भी बोला है। ये वाला फॉर्म आपको फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एंगेजमेंट ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स, नेम ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर फॉर विच एंगेजमेंट इज सॉट, ये आपको यहाँ पे लिखना है, पंच वार्ड लिखना है, पंच हल्का आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, पुलिस परमानेंट रेजिडेंस, ये आपको यहाँ पे फिल करना है, मोहल्ला विलेज पंच वार्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, नेम ऑफ द पंचायत हल्का, हाउस नंबर, ब्लॉक, एड्रेस फॉर कॉरस्पेंडेंस, ये आपको लिखना है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर आप 8th पास हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, 10th पास आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। ग्रेजुएशन हो तो आपको यहाँ पे फिल करना है, बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑब्टेनड, आपने कितने मार्क्स लिए हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है, मैक्सिमम मार्क्स परसेंटेज वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग देनी है, डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ आर ओ, उसके बाद यहाँ से आपको दो सिग्नेचर करनी है। सिग्नेचर होने के बाद ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर पोर्शन प्रोजेक्ट पुलवामा के ऑफिस में जमा करना है 30 मई 2023 से पहले। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Mm-hmm.